देखिए इसमें अपन बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो ये देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इसमें कुछ चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, फिर उसको अपन ब्रीफ में बताएंगे। जैसे ये देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन, इसको ध्यान में रखना है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ये ध्यान रखेंगे। इंट्रोड्यूस्ड डायार्की, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म, और क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास एज वेल, ये याद रखेंगे। और क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एंड अ फेडरल कोर्ट, ये याद रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी बात अपन करेंगे। तो देखिए इसकी शुरुआत अगर अपन देखें कि कहाँ से की गई, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आता है तो इसके शुरुआत में ही देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। तो देखिए जो जीओआई 1935 है, मतलब भारत शासन अधिनियम है जो 1935, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें शेड्यूल्स कितनी थी, उसमें जो शेड्यूल्स थी वो थी 10, और जो आर्टिकल थे, आर्टिकल कितने थे इसमें, 321, मतलब इसमें अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां थी इसमें 10, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितने थे इसमें, 321। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें बताई गई वो अपन देखते हैं पॉइंट वाइज, है ना। तो पहली बात यहाँ पर क्या की गई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो देखिए अखिल भारतीय संघ क्या था, अगर अपन बात करें कि अखिल भारतीय संघ क्या था, अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन। तो देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन का क्या मतलब था, देखिए इसमें एक काम किया गया था कि इसमें जितने भी क्या कहते हैं, देखिए 11 जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंस जो थे, मतलब ब्रिटिश प्रांत, तो जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, और क्या कहते हैं, जो 6 कमिश्नरी एरियाज थे, इस पे जो 6 जो थे वो कमिश्नरी जो एरियाज थे, इन सब लोगों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें एक काम और किया गया था कि जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 6 जो कमिश्नरी एरियाज थे, इन सब को मिलाया गया, और साथ में एक काम और कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे इनको इस संघ में मिलना जरूरी था, ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होना जरूरी था, लेकिन जितनी भी देसी रियासतें थीं उनको यहाँ पर शामिल होना जरूरी नहीं था। देसी रियासत मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें, उनका इसमें मिलना उनके मन के ऊपर था। तो मतलब देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिश प्रांत है उनको मिलना ही मिलना है इस संघ में, जो 6 कमिश्नरी क्षेत्र हैं उनको भी मिलना ही मिलना है, जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थे, उनको ये छूट प्रदान की गई थी कि अगर वो खुद से चाहें तो इसमें मिल सकते हैं, और अगर खुद से ना चाहें तो वो इसमें ना मिलें, वो फ्री भी रह सकते हैं। तो ये तो था ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ। फिर उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ अपन ने जो अंडरलाइन की थी वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है प्रांतीय स्वायत्तता। तो देखिए प्रांतीय स्वायत्तता की अगर अपन बात करते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी, तो इसमें क्या किया गया कि देखिए जैसे अपन भारत में बहुत दिनों से जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें प्रांतीय स्वायत्तता ही मांगी जाती थी कि हमको मतलब प्रांतों को दे दिया जाए, जो प्रोविंसेस हैं इंटरनल अफेयर्स हम संभाल लेंगे और इंटरनल जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स देखते रहें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या चालू किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चालू की गई थी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि प्रोविंसेस में, अब आपने देखा था कि इससे पहले जो प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांत होते थे, तो प्रांतों में द्वैत शासन चलता था, तो इस द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया और इसको ऑटोनॉमी दे दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई लोगों को कि हाँ इसकी छूट प्रदान करते हैं।
और ये जो द्वैध शासन पहले 1919 में आपने देखा था प्रांतों में चल रहा था, इस द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कहाँ, केंद्र में कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आगे इंट्रोड्यूस होगा कहाँ, केंद्र में, अभी अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या बोला गया है कि क्या कहते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, ये आप समझ चुके हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन क्या थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं विथ प्रोविंसेस एंड प्रोविंसली स्टेट एज यूनिट, प्रोविंसली स्टेट को यहाँ पर मिलना कंपलसरी नहीं था, ये अपने मन से मिल सकते थे। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर डायरकी जो चालू की गई थी द्वैध शासन, वो क्या कहते हैं प्रोविंसेस में उसको खत्म कर दिया गया, जिसके तहत दो विषय बांटे गए थे हस्तांतरित और रक्षित, उसको खत्म कर दिया गया। और इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसके जगह पर जो डायरकी प्रोविंसेस में चलती थी, तो प्रोविंसेस में अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चालू कर दी गई, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन ये जो डायरकी थी, इस डायरकी को प्रोविंसेस से हटा कर कहाँ डाल दिया गया, सेंटर में डाल दिया गया। तो सेंटर में जब डायरकी डाल दी गई द्वैध शासन, तो उसके तहत क्या किए गए, जब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो वहां पर देखिए क्या हुआ, जब सेंटर में डायरकी चालू होती है तो यहाँ पर देखिए डायरकी एट सेंटर चालू कर दी गई थी इस वाले में। तो ये अपना क्या कहते हैं, मान लीजिए ये थर्ड है डायरकी एट सेंटर। डायरकी एट सेंटर में क्या किया गया था कि यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट लिस्ट बांट दिए गए थे। सब्जेक्ट लिस्ट मतलब पहली बार वही वाला काम यहाँ पर किया गया था कि एक यूनियन लिस्ट बांट दी गई थी। जैसे अभी आप देखते हैं तो प्रेजेंट में जो आप शेड्यूल जो सेवेंथ है उसमें आप देखते हैं तीन तरह की लिस्ट दी हुई है, वो चीज़ बांटी गई थी। एक स्टेट लिस्ट बांट दी गई थी और एक दूसरी कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट बांट दी गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक तो संघ सूची बांटी गई, एक राज्य सूची बांटी गई और एक समवर्ती सूची बांटी गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये तीन सूचियाँ बांट दी गई थी इसके तहत, जो भी क्या कहते हैं केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी उसके तहत। फिर देखिए उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट थी, इसमें पूरा नियम यूनियन को बनाना था। स्टेट क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता इनको दे दी गई थी तो उससे रिलेटेड नियम ये बना लेते और समवर्ती में दोनों मिलकर बनाने वाले थे। उसके बाद अगर आप देखें तो संघीय न्यायालय व्यवस्था चालू की गई थी यहाँ पर। संघीय न्यायालय व्यवस्था क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए फेडरल कोर्ट क्या था, अगर अपन देखते हैं कि फेडरल कोर्ट क्यों बनाया गया था, तो देखिए फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट की व्यवस्था जो की गई थी वहां पर, ये इसलिए की गई थी कि एक कोर्ट होना चाहिए, जैसा अभी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था। तो देखिए क्या कहते हैं, ये जो फेडरल कोर्ट था उसका जो क्षेत्र था वो पूरा क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया था, मतलब भारत में, और एक न्यायालय में कई, वहां पर शुरू शुरू में जब भी फेडरल कोर्ट बना, जो बाकी आगे चलकर अपन सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानेंगे जिसे, इसमें एक अभी एक मुख्य न्यायाधीश होता था, एक चीफ जस्टिस होता था और इसके साथ दो इसके साथ कौन होते थे, दो जज हुआ करते थे। तो एक चीफ जस्टिस और दो जज होते थे इसमें। और इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो ये भारत के लिए तो फेडरल कोर्ट हेड था, लेकिन अगर इससे भी ऊपर मामला जाना हो तो फिर वो कहाँ चला जाता था, मतलब कोई भी डिसीजन है तो लास्ट जो क्या कहते हैं जो लास्ट पावर थी वो किसके पास थी, लास्ट पावर जो थी वो प्रिवी काउंसिल लंदन के पास थी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिवी काउंसिल जो प्रोविंशियल काउंसिल क्या कहते हैं लंदन वाली थी, उनके पास लास्ट पावर थी, प्रिवी काउंसिल लंदन इनके पास क्या कहते हैं जो लास्ट पावर थी किसी भी डिसीजन को देने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी और क्या कहते हैं फेडरल कोर्ट कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में, और जिसमें एक सीजे और दो क्या होंगे, जज होंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं और क्या इसके साथ काम किया गया था, इसके साथ देखिए अगर अपन देखें तो इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बता दी गई थी, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये ध्यान रखेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बता दी गई थी। इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी जो क्या कहते हैं यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल और जो व्यवस्थापिका हैं वो कोई भी चीज़ों में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह के जो नियम आए हैं 1935 के अंतर्गत तो उसके नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखेंगे कि नियमों में जो बदलाव हैं
वो नहीं कर सकते ये लोग, उनकी सबकी सर्वोच्चता किसके पास थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही थी, नियम बनाने की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही होल्ड करती थी। तो यहाँ पर जो स्टेट में प्रोविंशियल फ्रीडम दी गई थी वो भी नियम सारे के सारे कौन से वाले वर्क करेंगे, 1935 जो गवर्नमेंट एक्ट आया इसी के थ्रू सारे को सबको काम करना था, तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में यहाँ पर क्या किया हम कि आप देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो चुकी है, इंट्रोड्यूस डायर की द्वैत शासन। अब यहाँ पर देखते हैं कि फेडरल कोर्ट भी अपन ने देख लिया कि क्या था। अब यहाँ पर देखते हैं बाई कैमरलिज्म क्या था, तो बाई कैमरलिज्म देखिए कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यहाँ पर पहले आप देख रहे थे कि क्या कहते हैं बाई कैमरलिज्म जो था, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था जो थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था व्यवस्था तो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी ये कहाँ पर लागू की गई थी, पहले पहले केंद्र में लागू की गई थी, अब इसको प्रोविंसेस में भी लागू कर दिया गया, इसको प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था इस द्विसदनात्मक व्यवस्था को, और क्या कहते हैं इसके अंतर्गत वहां पर द्विसदन बनाए गए। फिर उसके बाद देखिए अगर आगे देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था के, तो यहाँ पर देखिए जो इंडियन काउंसिल थी, जो भारतीय परिषद थी, भारत परिषद जो थी, परिषद भारत परिषद को खत्म कर दिया गया, मतलब जो इंडियन काउंसिल थी इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में स्थापित, केंद्र के पहले केंद्र में हुआ करती थी, यहां से हटाकर कहां डाल दिया गया उसको, प्रांतों में डाल दिया गया था। और साथ में एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो आप अपन बात कर रहे थे, जो आपने देखा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन था जो, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई थी, और यहाँ पर केवल किसको अधिकार दिए गए थे, मुस्लिम्स को। फिर आपने देखा कि 1919 में ये अधिकार क्या कहते हैं सिख को भी दे दिए गए, और साथ में जो इंडियन क्रिश्चियन लोग होंगे उनको भी अधिकार दे दिए गए। अब यहाँ पर 1935 वाले एक्ट में इसको और बढ़ाया गया, और क्या कहते हैं इसमें और लोगों को भी जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें और किसको किसको जोड़ा गया था, इसमें जो क्या कहते हैं दलित लोग थे उनको जोड़ा गया, महिलाओं को भी इसमें ऐड किया गया, महिलाओं को भी ऐड कर लिया गया था इसमें, और क्या कहते हैं जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग इन सब को इसमें ऐड कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 से हुई थी, जिसमें तब मुस्लिम लोगों को ऐड किया गया इसके तहत, फिर 1919 में सिख और इंडियन क्रिश्चियन को भी ऐड कर लिया गया, 1935 में दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी ऐड कर लिया गया था। और एक लास्ट चीज इस वाले एक्ट में अगर अपन देखें, तो लास्ट चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो ये ध्यान रखेंगे कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था इस वाले एक्ट के दौरान। देखिए तो ये सारी चीजें हो गई जो इसमें इंपॉर्टेंट थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाएगी, एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, और भारतीय संघ में कौन मिलेगा, क्या कहते हैं जो भी उनके 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ये मिलेंगे, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब क्या कहते हैं जो देसी रियासतें थी, उनका उसमें शामिल होना ऑप्शनल था, वो चाहे तो शामिल हो सकती थी नहीं तो नहीं हो सकती थी। द्वैत शासन प्रोविंसेस से हटाकर कहाँ लगा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया, और क्या कहते हैं और प्रांतों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, बाइकैमरलिज्म प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको और बढ़ा दिया गया, और इसमें डिप्रेस्ड क्लास और मतलब पूरा मजदूर वर्ग, पूरा दलित और पूरी महिलाओं को भी इनमें ऐड कर दिया गया, इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, एक संघीय न्यायालय बनाया गया था जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 जज हुआ करते थे, और लेकिन जो भी कोर्ट से रिलेटेड लास्ट डिसीजन था वो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त होता था। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो आरबीआई की स्थापना हुई ये 1935 में हुई थी, ये किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो इसके लिए अगर एक्ट बोलेंगे तो ये कहेंगे आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था 1934 में, जिसके तहत भारत में आरबीआई बनाया गया।
अगर यहाँ पर इंडियन एक्ट बोला जाए, क्योंकि भारत में कोई भी चीज अगर बनानी होती थी तो एक भारतीय अधिनियम की आवश्यकता होती थी, तो ये किसके तहत बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या कहा गया था 1935 में कि भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए, साख नियंत्रण के लिए, मतलब यहां पर मुद्रा यानी कि करेंसी और साख यानी क्रेडिट। तो देखिए यहां पर क्या किया गया था कि मुद्रा करेंसी कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल के लिए किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की। यहां पर रिकमेंडेशन किसने दिए थे? रिकमेंडेशन यानी कि अनुशंसा किसने की थी यहां पर? ये ध्यान रखिएगा, अनुशंसा करने वाले थे हिल्टन यंग आयोग यानी कि हिल्टन यंग कमीशन, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। और ये कब बना था? 1926 में बना था। और इसी ने रिकमेंड किया था कि क्या बनाना चाहिए, एक भारत में एक लीड बैंक बनाना चाहिए जो आरबीआई था, इसीलिए 1935 में आरबीआई बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और ये कौन से एक्ट द्वारा बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के? तो आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। क्यों बनाया गया था? भारत में करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल के लिए लाया गया था ये, जिसके लिए ये बना दिया गया था। इसी फिर बाकी चीजें अपन देख ही चुके हैं कि और क्या क्या काम किए गए। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है फेडरल कोर्ट हो गया, आरबीआई हो गया, एक्स्ट्रा में अपन को पता है कि बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से, है ना, बर्मा को अलग कर दिया भारत से। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक चीज एडिशनल में कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी किसी तरह के, आपने देखा कि इसमें जितने भी शेड्यूल 10 आपने देखा कि शेड्यूल थी, है ना, और क्या कहते हैं 321 आर्टिकल थे इसमें। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इस 1935 जीओआई जो था, ये अपना जीओआई 1935, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रस्तावना नहीं थी, यानी कि प्रियम्बल नहीं था इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि याद रखिएगा कि इसमें प्रियम्बल नहीं था। तो ये तो देखिए क्या कहते हैं इसमें, और एक चीज़ और की गई थी इसमें, मताधिकार का विस्तार किया गया था, जो भी मत देने का अधिकार था उसका विस्तार किया गया। और लगभग अब ये टोटल पॉपुलेशन का 10% हो गया जो कि वोटिंग राइट्स जिनको मिल गया था पहले, क्योंकि वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को दिया जाता था, इसलिए क्या कहते हैं इन सब लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिया गया था। तो ये तो था क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।